वेलकम बैक। गुड इवनिंग इंडिया के मंडेज एडिशन में लगातार हम फोकस करते हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा कानून यानी कंपटीशन लॉ पर। पिछले एडिशंस में आपने देखा कि कंपटीशन लॉ की रेलेवेंस रियल एस्टेट सेक्टर में क्या है, हेल्थ केयर सेक्टर में क्या है, और उसी कड़ी में आज हम फोकस कर रहे हैं कंपटीशन लॉ और टेलीकॉम सेक्टर पर। इस विषय पर जानकारी के लिए इस समय स्वागत करना चाहेंगे साधना दीक्षित जी का, मेंबर फाइनेंस टेलीकॉम कमीशन डिपार्टमेंट टेलीकॉम से। आपका स्वागत है साधना जी। और साथ ही धनेन्द्र कुमार जी का, फॉर्मर चेयरपर्सन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, आपका भी स्वागत है। धनेन्द्र जी, आपसे ही शुरू करेंगे। पिछले दो दशकों से, जब से 90 के दशक में लिबरलाइजेशन हुआ, तब से दूर संचार के क्षेत्र में तो क्रांति ही आ गई। कैसे देखते हैं पिछले दो दशकों में कंपटीशन और टेलीकॉम सेक्टर को? आपने बहुत सही प्रेक्षण किया। कॉम्पिटिशन को अगर समझना हो, कॉम्पिटिशन का मतलब प्रतिस्पर्धा जिसमें कंज्यूमर्स को ज्यादा चॉइस मिले, उसको अगर समझना हो तो टेलीकॉम से बेहतर कोई उदाहरण नहीं हो सकता। मैं एडिशनल सेक्रेटरी कंपटीशन में होता था, उसमें टेलीकॉम में होता था 1998 से 2002 तक। उस जमाने में शुरू में एक ये बड़ा प्रेस्टीजियस बात समझी जाती थी कि आपके यहां टेलीफोन लगा हुआ है। 1.92 टेली डेंसिटी होती थी, यानी तकरीबन पूरे देश में 1.25 करोड़ टेलीफोन होते थे पूरे देश में, ज्यादातर लैंडलाइन। और उस वक्त जो सेलुलर फोन की चार्जेस भी 16 रूपये मिनट वगैरह होते थे। लेकिन अगर इसके प्रतिस्पर्धा के आप फल को देखें, लोगों को प्राइवेट सेक्टर में अब मिलने का जब हुआ, सरकार की मोनोपोली टूटी, तो अब धीरे धीरे करके अब देश के अंदर तकरीबन टेलीफोन जो हैं वो 75 करोड़ तो डेंसिटी हो गई इसकी, और 93 करोड़ के करीब टेलीफोन हैं, 90 करोड़ के करीब उसमें अब फिक्स लाइन है। और आज हालत यह है कि आम आदमी हर एक के पास में, चाहे कोई रिक्शा वाला हो या कोई मसाज वाला हो या कोई काम कर, सबके पास टेलीफोन होते हैं। लेकिन उसके असली फायदे तो और बहुत सारे अनेक दूसरे इनडायरेक्ट तरीके से हैं। मिसाल के तौर पर आप ई कॉमर्स को देखें, वो सिर्फ इसकी वजह से बढ़ी है। इंटरनेट, वो इसकी वजह से। अब आप कार्ड स्वाइप करते हैं बैंकिंग में, उसकी वजह से। ट्रेड में, उसकी वजह से। तो जो कुल मिलाकर मल्टीप्लायर इफेक्ट है टेलीकॉम का, वो बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन कंपटीशन जो है, जिसका मतलब है कंज्यूमर इज द किंग, कंज्यूमर को चॉइस होनी चाहिए और मोनोपोली किसी की ना हो, चाहे वो सरकार हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, तो उसका एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण जी। साधना जी, आप बता रही थी आजादी के वक्त 1% से भी कम था टेली डेंसिटी, और आप 75%, और अब तो डिजिटल इंडिया की भी बात होने लगी है। आपको लगता है कहीं ना कहीं दूर संचार टेलीकॉम क्षेत्र में कंपटीशन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है? बिल्कुल, जैसा मैं कह रही थी आपको कि आजादी के वक्त 1% से भी कम था, और लगभग 2000 में तकरीबन 30 मिलियन टेलीफोन लाइंस थी, और आज अभी आपने सुना कि 998 जो है मिलियन लाइंस हो गई हैं, जिसमें ज्यादातर जो है वो मोबाइल टेलीफोन्स हैं। फिक्स लाइंस का उतना योगदान नहीं है जितना कि मोबाइल टेलीफोन्स का। इसके पीछे क्या कारण है कि सेलुलर सर्विसेज में तो कंपटीशन का अनुभव हम कर सकते हैं क्योंकि हर किसी के पास मोबाइल है, जैसा धनेन्द्र जी ने कहा, लेकिन जो बाकी मार्केट सेगमेंट्स हैं उसमें शायद उतना नहीं? नहीं, फिक्स, मैं इतना कहना चाहूंगी कि पहले शुरुआत जो हुई थी वो फिक्स्ड टेलीफोनी से ही हुई थी, और सभी के पास, लेकिन उनका जो एक तो कॉस्ट जो आता है एक टेलीफोन फिक्स्ड लाइन लगाने में, जितना समय लगता है उसको लगाने में, वो मोबाइल से कहीं ज्यादा है। तो जो पूंजी लगती है एक फिक्स लाइन को लगाने में वो बहुत ज्यादा है। मोबाइल टेलीफोनी जब आई है, और सबसे पहले जब लिबरलाइज किया गया इस सेक्टर को, तो उसमें वैल्यू एडेड सर्विसेज के तरीके से मोबाइल टेलीफोनी को प्रेशर दिया गया था, बेसिक सर्विस को बाद में खोला गया। तो तकरीबन शुरू हुआ है अर्ली 90s में, और 1991 के आसपास जो है हम लोगों ने पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ओपन किया था इस सेक्टर में। उसके बाद जब टेलीकॉम पॉलिसी जब अनाउंस हुई, पहली बार एक पॉलिसी आई 1994 में, और एक तरह से वो एक ऐतिहासिक पॉलिसी थी जिसमें कि हमने वैल्यू एडेड सर्विसेज को प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए भी ओपन कर दिया था। लेकिन हमने प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए ओपन किया 94 की टेलीकॉम पॉलिसी में, लेकिन तब भी उतनी कंपटीशन की बात नहीं हुई। बात तो ये थी कि डीओटी तब भी आगे रहेगा और प्राइवेट प्लेयर उसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैंने जैसे आपसे निवेदन किया, कंपटीशन का मूलभूत सिद्धांत यह है कि हर प्रकार की मोनोपोली ठीक नहीं है, चाहे वो सरकार की हो
डीओटी की हो या किसी प्राइवेट ग्रुप की हो। तो जब खोल दिया गया तो डीओटी, बीएसएनएल, दूसरे एमटीएनएल और ये प्राइवेट प्लेयर सबके बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ी, कीमतें कम आई और अब कुल मिलाकर आज स्थिति यह है कि एक आम सेलुलर फोन एक बिल्कुल आम आदमी भी अफोर्ड कर सकता है और उसकी कीमत जो हमारी है वर्ल्ड में चीपेस्ट है उसके लगाने की। और सेलफोन वैसे भी उसके तो पोर्टेबिलिटी इतनी ज्यादा है और एक हर आदमी जेब में लेके चल सकता है। उसके बाद में सरकार ने और बहुत सारे उसमें और चेंजेस किए। अब नंबर पोर्टेबिलिटी की बात कर दी कि आपके पास जो नंबर है अगर आपका सर्विस प्रोवाइडर मिसाल के तौर पर अच्छी सर्विस नहीं दे रहा तो आप अपना नंबर एयरटेल से बीएसएनएल से आप वोडाफोन में कर सकते हैं, किसी और में कर सकते हैं। तो सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी जरूरी है कि वो अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विस को लगातार बेहतर बनाते रहें। तो कुल मिलाकर कंपटीशन का जो मूलभूत सिद्धांत है कि कंज्यूमर को बेहतर से बेहतर क्वालिटी मिले, कम से कम कीमत मिले, अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी वो लेके आए, तो प्रतिस्पर्धा में हमेशा जो हम कहते हैं कि कंज्यूमर इज द किंग। बिल्कुल सही। और कंपटीशन में एंट्री पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है साधना जी, क्योंकि डिपार्टमेंट टेलीकॉम लाइसेंस देता है किसी भी न्यू एंट्रेंट को, तो क्या वो प्रक्रिया आसान है और क्या जो नॉर्म्स आप बनाते हैं उसमें कंपटीशन को मद्देनजर रखा जाता है? बिल्कुल। और ये जो है कंपटीशन की प्रक्रिया जो है उसमें तेजी आई 1999 की न्यू टेलीकॉम पॉलिसी से, जब पूरी तरह से मार्केट को खोल दिया गया और सारी सर्विसेज को उसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी अलाउ किया। 99 वाली पॉलिसी ने 94 वाली पॉलिसी को ओवरराइड कर दिया। जी हाँ, जी हाँ। और उसके बाद चूंकि और मॉडल भी बदला, बिजनेस का मॉडल भी बदला, जो लाइसेंसिंग पहले एक फिक्स लाइसेंस फी रजीम हुआ करती थी और जिसके तहत कई सारे सर्विस प्रोवाइडर्स जो थे वो परेशानी में आ गए थे, तो 1999 पॉलिसी के तहत रेवेन्यू शेयर मॉडल में माइग्रेशन हुआ उनका। और जो सरकारी निगम थे, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, और उसके बाद स्ट्रक्चरल चेंज भी आया विभाग में जिससे कि भारत संचार निगम बना और वो भी उसी तहत उसको भी लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ी। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया और इस कंपटीशन को मद्देनजर रखते हुए ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये 1997 में एस्टैब्लिश की गई। ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बताइए, एक तरफ ट्राई है, एक तरफ डीओटी और फिर सीसीआई, तो स्कोप क्लियर है तीनों इंस्टीट्यूशंस में? इन तीनों इंस्टीट्यूशंस का स्कोप क्लियर है। कहीं पे ओवरलैप हो सकता है लेकिन वो ओवरलैप भी मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है कि असंभव है उसको क्रॉस करना। जैसे डीओटी है, डीओटी का काम है पॉलिसी फॉर्मुलेशन, लाइसेंसिंग है, स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड आरएनडी है, इस तरीके के मुद्दे, इंटरनेशनल रिलेशंस है या पूंजी निवेश के बारे में उसको बढ़ावा देना है, ये सब उसके मुद्दे हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसके रेगुलेटरी फंक्शंस भी हैं और उसके साथ साथ कुछ मैंडेटरी फंक्शंस भी हैं, जैसे टैरिफ बहुत एक अहम मुद्दा जो है और जो कंज्यूमर के हित में भी जाता है, उपभोक्ता के हित में भी है, वो है टैरिफ फिक्सेशन वाला मामला। इंटरकनेक्शन कैसे होना चाहिए, लाइसेंस कब और किन सर्विसेज के लिए देना चाहिए, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कंपटीशन जो है कि किस तरह से फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से चले जिससे कि ग्रोथ ऑफ सर्विसेज है। मैं एक तरह से देखती हूं कि जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी का है what to do in order to promote competition, और competition commission जो है वो देखता what not to do in order to promote competition। दोनों का consumer के हित में है, दोनों organizations जो है consumer के हित में ही काम कर रही है। लेकिन मैं इसमें जरा सा कुछ जोड़ना चाहूंगा। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा कि ट्राई और competition commission of India इन दोनों के कार्य क्षेत्र में क्या अंतर हो सकता है। जैसे अभी साधना जी ने कहा, डीओटी तो गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग बॉडी है और वो नीति बनाती हैं, और मिसाल के तौर पर अब सरकार ने फैसला किया है कि इस क्षेत्र में एफडीआई विदेशी पूंजी निवेश 74% से बढ़ा के 100% कर दिया जाए। उसका उद्देश्य यही है कि इसमें विदेशी पूंजी आए, टेक्नोलॉजी आए और बेहतर हों सेवाएं। जहां तक ट्राई है वो ट्राई देखती है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस अच्छी हो और कंज्यूमर्स की जो सुविधाएं और कंज्यूमर्स की कंप्लेंट हैं उसके बारे में नीतियां ठीक बने वगैरह वगैरह। सीसीआई मार्केट रेगुलेटर है
उसका काम यह है कि जितने प्लेयर्स हैं मार्केट में ये आपस में मिल ना जाएं, इनमें प्रतिस्पर्धा चलती रहे। मिसाल के तौर पर अगर ये मिल जाएं आपस में और ये तय कर लें कि भाई हमारा रेट मान लीजिए 50 पैसे पर मिनट होगा और कोई उससे ज्यादा है कोई उससे कम नहीं करेगा और सबने कार्टेलाइजेशन कर लिया तो कंज्यूमर को तो प्रतिस्पर्धा का फायदा नहीं हुआ। तो कंपटीशन कमीशन इसको देखता है। कंपटीशन कमीशन ये भी देखता है कि जो आपस में मर्जर्स हों एक्विजिशंस हों उसके अंदर मोनोपोली अगर कोई होती है तो इस प्रकार की ना हो कि कंपटीशन अवरुद्ध हो जाए। पर आपको लगता है टेलीकॉम एक ऐसा सेक्टर है धनेंद्र जी जहां आने वाले समय में कंसोलिडेशन हो सकता बहुत है? होगा और होना चाहिए क्योंकि अगर बहुत फ्रेगमेंटेड प्लेयर्स हो तो उसका नुकसान होगा। एक बात जो लास्ट में मैं ऐड करना चाह रहा था कि कंज्यूमर्स की अगर इंडिविजुअल कंप्लेंट्स हों तो बाकी तो सरकार ने बनाए हुए हैं, डीओटी में भी है, ट्राई ने मैंडेट किया हुआ है कंज्यूमर्स की कंप्लेंट्स के बारे में। दरअसल एक कंज्यूमर कोर्ट्स होती हैं, कंज्यूमर ट्राइब्यूनल्स होते हैं जो डेफिशिएंसी इन सर्विस पर कार्यवाही कर सकते हैं। कंपटीशन कमीशन इंडिविजुअल मामलों में नहीं देखता लेकिन एज ए क्लास एक्शन जब उनको लगता है कि ये उसके कार्यक्षेत्र में आता है और कोई चीज ऐसी है कि मार्केट में जो कंपटीशन को अवरुद्ध कर रही है तब कंपटीशन कमीशन के सामने भी चीजें लाई जा सकती हैं। जी तो साधना जी, एक तो मोबाइल सर्विसेज हुई, उसके बाद फिक्स सर्विसेज जिसमें नेशनल डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस और इंटरनेशनल, इसके अलावा अब जो ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम की बात होती है तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स भी काफी हैं, वहां पर कॉम्पिटिशन कैसा है? वहां पे लगभग हमारे पास 121 इंटरनेशनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं तो बड़ी तादाद में है। हालांकि 10% ही जो लार्ज प्लेयर्स हैं।